यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ज़माने में एक हवेली हुआ करती थी जिसकी मालकिन प्यारी थी। प्यारी हवेली के सामने रोज़ चॉकलेट खाया करती थी। एक दिन प्यारी ने सोचा क्यों ना इस हवेली में चॉकलेट ही भर दिया जाए। इसके लिए प्यारी ने एक योजना बनाई। योजना बनाने के लिए प्यारी ने बहुत तरह से सोचा, चॉकलेट खा खा कर सोचा, चॉकलेट को फेंक कर सोचा, साथ में जो दीवार थी उस पर हाथ रगड़ रगड़ कर सोचा कि बैठने से कुछ काम नहीं होगा, मुझे बाहर जाना चाहिए। और एक दिन प्यारी ने फैसला लिया कि बाहर जाकर किसी एक बाइक या एक स्कूटी पसंद कर लूँगी, तभी उसी से चॉकलेट लेकर आऊँगी। और प्यारी अपनी योजना को सफल बनाने में लग गई। दिन रात मेहनत करके प्यारी अपनी स्कूटी पसंद की ढूँढने लगी, लेकिन प्यारी उस स्कूटी को नहीं खोज पाई जो उसको पसंद थी। तब थक हार कर प्यारी ने एक दूसरी योजना बनाई, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी उसकी उम्र नहीं है स्कूटी चलाने की। तो उसने एक और कोशिश की और अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। उसके दोस्त आराम फरमा रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। प्यारी चलती गई चलती गई चलती गई, रास्ते में जाने के बाद कई सदियों तक चली। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन उसके दोस्त अभी तक नहीं मिले। थक हार कर प्यारी ने कुत्तों का साथ लिया, लेकिन उसने देखा कि सारे कुत्ते आराम कर रहे हैं। ऐसे में प्यारी चिढ़ गई और उसने एक और योजना बनाई। वो योजना बहुत ही खास थी। वो किसी के साथ अपनी योजना को शेयर नहीं करना चाहती थी। वो योजना ये थी कि चॉकलेट लेकर फिर से घर की ओर चला जाए। घर में प्यारी की मम्मी इंतज़ार कर रही है। कहानी समाप्त हुई। अब हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।